इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ बहुत से अजीब और अनयूजुअल चीजें होती रहती है, जिसमें से एक है कर्नाटका का डॉग टेम्पल। जी हाँ, कर्नाटका के एक छोटे से गांव में रमेश नाम के एक बिजनेसमैन ने 2010 में एक डॉग टेम्पल बनाया था। उसने उस गांव में देवी केम्पम्मा का मंदिर भी बनाया था। गांव वालों के मुताबिक हुआ ये था कि अचानक से गांव में से दो कुत्ते गुम हो गए थे। कुछ दिनों बाद खुद देवी रमेश के सपने में आकर उसे उन दो गुम हुए कुत्तों के लिए मंदिर बनाने के लिए कहती है, और वो भी देवी के मंदिर के ठीक बाजू में, ताकि वो गांव और गांव वालों की रक्षा कर सके। और उसी के चलते ये डॉग टेम्पल बनाया गया था। इस मंदिर के अंदर आपको दो डॉग स्टैचूज दिखेंगे जिनको लोग बहुत मानते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें रिस्पेक्ट दिखाने के तौर पर हर साल उस गांव में एक बड़ा फेस्टिवल भी सेलिब्रेट होता है।